तो गाइज खुंडी माता जाएंगे गाइज, काफी मतलब इतना अल्टीमेट स्वर्ग है गाइज वहाँ पे, स्वर्ग है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, मैंने सुना है आज तक और खुद देखूंगा अपनी आंखों से। और गाइज काफी प्यारा, जितने भी श्रद्धालु होंगे कोशिश करूंगा कि छोटी से छोटी चीज आपको बताऊं, या किसको आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कितना दूर है, कितना नजदीक है, कितनी चीजें रास्ते में आती हैं, किस तरह के मोमेंट्स बनते हैं, गाइज एक छोटी से छोटी चीज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आपने मेरे साथ बने रहना है। जो लोग नहीं आ सकते इस यात्रा पर, नहीं आ सकते, दर्शन नहीं कर सकते, उन लोगों को दर्शन आपका भाई करेगा इन वीडियोस के थ्रू, इन व्लॉग्स के थ्रू। गाइस बस आपने एक छोटा सा सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। गाइस आज का जो व्लॉग रहने वाला है ना, आपको सारी की सारी जानकारी थोड़ी आगे जाके दूंगा। सबसे पहले ये जान लो कि मैं अपने रूम से निकल रहा हूँ, और निकल रहा हूँ मम्मी के आशीर्वाद से, ठीक है मम्मी चलता हूँ। फिर ये जो वीडियोस आने वाली या ये जो दर्शन कराने वाला हूँ, बिल्कुल स्वर्ग में लेके जाने वाला हूँ अपने, बस पूरी की पूरी वीडियोस देखनी है। और मैं और मुरीद भाई जा रहे हैं अभी, दिन के कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, ठीक है 2 बज रहे हैं, 2 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। और आज हम चंबा से निकल रहे हैं, और आज हमारा स्टे है चुरा जाके, ठीक है अपनी वैली में जाके। तो गाइस बने रहना है, ठीक है मम्मी चला मैं बाय। ठीक है चलो मुरीद भाई, गाइस रूम से निकल गए, अब जाना है भाई बस स्टैंड, बस स्टैंड से कोई सी बस लेंगे और उसके बाद जाएंगे भाई सबसे पहले जय माता दी, माँ से बढ़कर कुछ नहीं भाई। तो मम्मी से आशीर्वाद लेके निकल चुके, अब जय माता दी एक ही रट होगी पूरे रास्ते में भाई। जो व्लॉग होने वाले हैं ना, या जो फील आने वाला है, जो जन्नत में जाने वाले हैं हम लोग, बस वो चीज़ आपने देखनी है, सुकून भरी चीज़ होगी। बस बने रहना है आपने भाई, अभी बस के लिए लेट हो रहे, देखते बस पे टाइम पे पहुंच पाते हैं बस स्टैंड या नहीं, तो पूरे व्लॉग में बने रहिए आप लोग। गाइस हम थोड़े ना लेट हो रहे थे, बीच में रास्ते में हमारे भाई लोग मिल गए भैया, थैंक यू सो मच, हम लेट ही हो रहे थे, 5 मिनट बजे बस के लिए। भैया कहाँ से, चंबा से ही हो? हाँ जी जी, थैंक यू भैया। भाई लोग की वजह से थोड़ा ना जल्दी बस स्टैंड पहुंच गए, थैंक यू सो मच, नहीं तो भाई बस जाने वाली थी, पूरे पूरे 25 मिनट में पहुंचे, बस भी इसी टाइम पे जाती है। और ये हमारा बस स्टैंड है, ये देखो भाई फाइनली गाइज एक स्टेशन पे बस रुकी है। आप सभी को पता है, एक बात बता दूंगी, मतलब जब भी ट्रैवल करता हूँ उस टाइम पे मुझे जरा भी मन नहीं करता है फ़ोन यूज़ करने का या कोई भी वीडियो बनाने का, भाई उस टाइम पे आपका भाई ना बिल्कुल डेड होता है, ठीक अंदर से कुछ फील नहीं आता कुछ भी करने का। और फिलहाल गाइज इस स्टेशन पे बस रुकी है, वैसे थोड़ा ही टाइम बचा हम अपने घर जहाँ हम जाने वाले वहाँ पे, ये देखो भाई यहाँ पे हमारी बस रुकी है, जगह का नाम नकरोड है भाई। मुरीद भाई कैसा लग रहा है हमारे एरिया में आके? भाई एकदम मजा ही आ गया, मजा आ गया ना, मुरीद भाई को मजा आ गया भाई, थोड़ी देर कुछ कहाँ है अभी तो देखना है इसी। हाँ गई, फिलहाल मुरीद भाई को कुछ खिलाते पिलाते, मेरा तो व्रत है ज्येष्ठ शनिवार का, तो जय शनिदेव, मैं भी कुछ फ्रूट वगैरह ले जाता हूँ और मुरीद भाई को कुछ खिलाते हैं भाई, भूख लगी है क्योंकि बस पकड़ी हमने भाई फटाफट में। और बस स्टैंड पे गई एक सीन हुआ, हमें जाना किसी और बस पे था, हमारे मुरीद भाई के सीट किसी और बस पे बुक करके आए थे भाई, वो गलत किया मुरीद भाई आपने, भाई मेरे को पता नहीं था ये वहाँ पे खड़े थे, अब तो लग गया ना इस बस में जाना ना, मैंने भी, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस आपने बने रहना है, थोड़ा वही रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं, नहीं तो मेरा तो बुरा हाल हो गया इस बार, एनर्जी डाउन होगी। और इस बस पे हम आए और आसपास का माहौल ये है, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बर्फी लेंगे हमारे भैया के पास। गाइस हमारे मुरीद भाई के लिए ले लिए पकोड़े यहाँ पे, ये देखो भाई गर्मा गर्म पकोड़े यहाँ। हम के 6:30 बजे फाइनली हम लोग बस से उतर चुके हैं और उस लोकेशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे आज हमारा नाइट स्टे रहने वाला है। वैसे गाइस अपनी लोकेशन है बट मैं अपने घर नहीं गया क्योंकि कल निकलना है हमें गाइस एक प्यारी सी जगह पे। प्यारी सी जगह क्या है भाई, आपको सब कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले ये प्यारा सा माहौल देख लीजिए जहाँ पे हम लोग उतरे गाइस, ये देखो यार अल्टीमेट वाव गाइस, ये देखो यार सामने सनसेट हो रहा है, और ये देखो आसपास ये मक्की भाई हमारे मुरीद भाई, मजा ही आ जाएगा गाइस अपने बने रहना है। और बाकी अभी देखते हैं जो हमें लेने आ रहे हैं भाई, जिनके घर हम जाने वाले हैं उनको, उनसे भी मिलवाएंगे, तो बाकी आपने बने रहना है। तो काफी प्यारा एक्सपीरियंस था, मतलब पूरी बस में तो फोन चलाता नहीं, फोन भी नहीं चलाता भाई, वीडियो बनाना तो दूर की बात है। तो ये देखो भाई हमारे रवि भाई, पीछे भी देखो अपने बच्चे के साथ है। हाँ जी हेलो, और क्या हाल, हेलो भाई, और भाई क्या हाल है, और हेलो हेलो इसका भी, हेलो इसका, कहाँ जा रहे हैं बाप बेटा है, बाप बेटा कहाँ जा रहे हैं, आराम से आराम से। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी, हम लोग अभी हमारे रवि भाई के घर जाने वाले जहाँ पे हमारा नाइट स्टे रहने वाले और कल निकलने वाले हम प्यारी सी जगह पे। और ये देखो भाई रास्ते यहाँ के, ये हमारे रवि भाई अपने बेटे के साथ, और भाई क्या हाल चाल, कितना दूर है रवि भाई, थोड़ा ही दूर है। तो भाई इस प्यारे से माहौल को, बस ऐसा ही प्यारा माहौल देखने को मिलेगा आज के बाद जो व्लॉग्स आएंगे ना भाई, कुछ दिन इतना अमेजिंग देखने को मिलेगा इसका कोई हिसाब नहीं। और ये देखो भाई, ये देखो नीचे कपड़ों की तो गई बुरी हालत है, बस पे इतनी धूल होती है ना बसों में, इतनी धूल भाई साहब बुरे हाल हो जाते हैं। अभी देखते हैं हमारे रवि भाई कहाँ ले जाते हैं हमें, कहाँ कहाँ चल दिए,
कहाँ चल दिए बबुआ। मुरीद भाई कैसी फीलिंग है हमारा एरिया में? हमारे पूरा वैली मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए भाई, हमारे साथ मजा ही आता है, हम बिना मजे के नहीं भेजते किसी को भी। ये देखो भाई लड़के, और भाई क्या ले? सेव दिया भाई छाती तान। क्या बात है, क्या बात है भाई, सेव हाथ में छाती तान के सेव हाथ में रख के। हेलो भाई, ये जूस के। ये देखो भाई मुरीद भाई, ये क्या है? घोड़े। मुरीद भाई को बड़े प्यारे हैं भाई, पसंद है घोड़े। घोड़े हैं भाई, घोड़े भाई, घोड़े भी यहाँ के, गधे घोड़े सब मिल गए ना। तो ये गाइस प्यारा सा गांव है यहाँ का, काफी अल्टीमेट भाई माहौल देखो यार, ये देखो यार अल्टीमेट, एकदम मजा आ रहा है। ये देखो सनसेट जो हो रहा है सामने ना, वो तो अल्टीमेट है। और ये देखो मुरीद भाई के पीठ पे बैग है हमारा, जिसमें हमारे कपड़े हैं। कपड़े भाई जरूरी है, नहीं तो ठंड में मर जाएंगे। और गाइस यहाँ पे ठंड है, बाहर इतनी गर्मी है, चंबा में थे हम आज के टाइम तो गर्मी है। और भाई क्या हाल है अंदर? कितनी भाई कितनी दूर है अभी तक? तो देखते कब तक पहुंच जाते हैं हम अपने ठिकाने पे। कितनी दूर है भाई ठिकाना हमारा? तो भाई ये रास्ते हैं, कुछ गलियां, ये गलियां, ये हमारे भाई का घर। भाई क्या बात है, फाइनली फाइनली पहुंच चुके हैं, हमारा खिलाड़ी भाई को भाई, क्या बात है, फाइनली अपने ठिकाने पे पहुंच चुके। और अभी हम बाहर आए क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं आता है भाई, बाहर आए वीडियो अपलोड करने। गाइस यहां से आपको व्यू दिखाऊंगा भाई, हमारे रवि भाई तो भाई जन्नत में रहते हैं। इतनी भाई पहले बताते तो हम पहले भी चक्कर मार जाते हैं, आज तक नहीं आया था। ये देखो भाई सामने सनसेट जो हो रहा है भाई अल्टीमेट। ऊपर ये पहाड़ देखो, ये वाला पहाड़ देखो और ये वाला पहाड़ देखो, गांव के बिल्कुल पास में। और इस तरफ देखो गाइस, हम जाने वाले हैं इस पहाड़, इस पहाड़ को क्रॉस करने वाले कल, अभी नहीं भाई। ये देखो भाई इतना प्यारा क्रॉस तो क्या होता, कर लो कल परसों होगा। बाकी गाइस ये देखो ना मक्खियां घर के आसपास, मतलब ये इनका प्यारा सा गांव, गांव का नाम बता दो भाई रवि भाई। एक भाई बगीगढ़, बगीगढ़। तो गाइस ये था हमारा प्यारा सा चंबा टू बगीगढ़ का आज का था। और कल से हम लोग यहाँ से जाने वाले, जो हमारी यात्रा रहने वाली है ना काफी अल्टीमेट, वो आपको दिखाएंगे भाई काफी प्यारे तरीके से। सो गाइस जैसे कि आप सभी को पता कि आज है शनिवार, ज्येष्ठ शनिवार, तो मेरा गाइस आज व्रत भी है, तो जय शनिदेव सबसे पहले। तो गाइस इस व्लॉग का ना एंड करने का टाइम आ चुका है, और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस पर्पज से यहाँ पे आया और मैं कहाँ जाने वाला हूँ, क्या जाने वाला हूँ, मेरे रवि भाई बताएंगे। रवि भाई बताओ यार। भाई हम जा रहे हैं फिलहाल यार खुंडी माता की, जो पवित्र डल झील है वहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल वहाँ पे यात्रा जो होने वाली है वो है मंगलवार को, लेकिन ट्रैक शुरू करना पड़ेगा हमें संडे या सोमवार को शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। पहले जाएंगे हम चांदू मंदिर, बिल्कुल उस वहाँ से उसके बाद जाना पड़ता है खुंडी माता को। तो गाइस खुंडी माता जाएंगे गाइस, काफी मतलब इतना अल्टीमेट स्वर्ग है गाइस वहाँ पे, स्वर्ग है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, मैंने सुना है आज तक, और खुद देखूंगा अपनी आंखों से। और गाइस काफी प्यारा, जितने भी श्रद्धालु होंगे कोशिश करूंगा कि छोटी से छोटी चीज आपको बताऊं, या किसको आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कितना दूर है, कितना नजदीक है, कितनी चीजें रास्ते में आती हैं, किस तरह के मोमेंट्स बनते हैं, गाइस एक छोटी से छोटी चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपने मेरे साथ बने रहना है। जो लोग नहीं आ सकते इस यात्रा पर, नहीं आ सकते, दर्शन नहीं कर सकते, उन लोगों को दर्शन आपका भाई करेगा इन वीडियोस के थ्रू, इन व्लॉग्स के थ्रू। गाइस बस आपने एक छोटा सा सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना है, और गाइस इंस्टाग्राम पे अगर रील पे देख रहे हो तो भाई रील को भी आपने फॉलो करना है, ठीक है। मुझे फॉलो करना है, रील को फॉलो नहीं करना है, रील को लाइक करना है। तो गाइस मुझे लगता है कि मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि भूख भी लगी है, एनर्जी कम हो चुकी है। गाइस ये शाम का माहौल देखो यार, ये जो वाव यार, ये जो सनसेट हुआ है ना बिल्कुल अल्टीमेट लग रहा है, और यहाँ पे सब कुछ अल्टीमेट है यार, और इससे भी अल्टीमेट अभी कल दिखाएंगे आपको, यात्रा हमारी शुरू होने वाली है। तो गाइस आपने ना सच में बने रहना है, बस बने रहना और कुछ नहीं। गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ढेर सारा प्यार, जय शनिदेव, जय सीताराम, बाय गाइस।